बेटा पहला क्वेश्चन है, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप, फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो हम लोग जानते हैं ये वेक्टर को पहले लिख लेते हैं, आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आई जे के, उसके बाद वन टू माइनस वन और इसका माइनस वन माइनस टू माइनस टू। रिसी इज इट क्लियर? रिसी इज इट क्लियर? ओके, तो पहले क्या लिखते हैं, आई कैप और इसमें से क्या आई कैप लिख जाते, दोनों इनटू होगा माइनस फोर प्लस टू माइनस टू, ये तो जानते हैं, ये दोनों इनटू होगा माइनस, ये दोनों इनटू होगा, फिर जे कैप आएगा, फिर ये दोनों इनटू होगा माइनस टू माइनस ऑफ दिस वन, माइनस माइनस प्लस दैट इज माइनस, प्लस के कैप ये बंद हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस टू होगा दैट विल बी प्लस टू। रिसी इज इट क्लियर? रिसी। अच्छा, तो अभी देखो आई कैप था, सॉरी आई कैप था, तो सिक्स आई कैप और यहाँ पे जो है ना माइनस माइनस थ्री प्लस थ्री जे कैप और ये वाला हो गया जीरो, इक्वल्स टू माइनस सिक्स आई कैप प्लस थ्री जे कैप। इज इट क्लियर? ये सर नो आयुष, इज इट क्लियर? ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं।